तो दोस्तों यहाँ पर अरमान मालिक को जो है इविक्ट करने वाले थे ये लोग। मैंने आपको बता दिया था कि अरमान मालिक जो है इविक्ट हो चुके थे। जी हाँ, वो इविक्ट हो चुके थे, लेकिन बाद में घर वालों ने दीपक चौरसिया और जो लवकेश कटारिया और जो ये हमारे ये कौन है हमारे भाई जो रणवीर है, उनको कन्फेशन रूम में बुलाया गया है। बुला के बोला कि क्या उनको स्पेशल केस माना जाएगा, इसको ये जो चीज अरमान ने की है इसको क्या स्पेशल केस माना जाए कि ये उन्होंने एक मतलब हो गया है, उसने विशाल ने बोला इसीलिए उनको निकाल दिया गया, मतलब स्पेशल केस में माना जाए इनको या इनको इविक्ट कर दिया जाए। तो उन तीनों ने बोला कि इनको इविक्ट नहीं करे, ये स्पेशल केस में माना जाए और एक उनको छोड़ दिया जाए अरमान को। तो इसीलिए अरमान को जो है बाद में फिर नेजी ने दोस्तों बोला कि नहीं, वो इसका सपोर्ट नहीं करते, घर के अंदर वायलेंस नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद जो क्या हुआ, इसके बाद जो है अरमान को अनिल सर ने फुल सीजन नॉमिनेट कर दिया, जब तक वो इस गेम में रहेंगे उनको फुल सीजन नॉमिनेट कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, और ये बहुत वो हुआ, इविक्ट नहीं हुए दोस्तों अरमान मलिक, वो फुल सीजन नॉमिनेट हो चुके हैं। अब अरमान के फैंस वोट करिए उनको बचाने के लिए। तो मैंने थोड़ा गलत हो गया, एक्चुअली अरमान को इविक्ट करने वाले थे लोग, तो मैंने वो न्यूज इसलिए दिया था। तो फिलहाल अरमान नहीं इविक्ट होंगे, वो फुल नॉमिनेट हो चुके हैं। चलिए थैंक यू, हुआ किसी के फैंस को बुरा लगे तो सॉरी।